सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि दिवाली बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है, सभी लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी को अच्छा तो उस दिन दिखना ही है। तो आज की वीडियो का टाइटल तो मैंने सोचा नहीं है, बट आज का वीडियो हमारे दिवाली मेकओवर, दिवाली ड्रेसअप पर होने वाला है। आज की वीडियो का लाइक टारगेट कोई फिक्स नहीं है, जितने आपको करवाने हो आप करवा देना, क्योंकि दिवाली आ रही है यार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इस वीडियो को और भी ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हमने इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा। सबसे पहला होगा हमारे स्किन का, सेकंड होगा हमारे हेयर्स का, थर्ड होगा हमारे आउटफिट का, एंड फोर्थ होंगी हमारी लास्ट एक्सेसरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन की। अब जब उस दिन स्किन ग्लो नहीं करेगी, मुखड़ा चमकेगा नहीं, तो भाई मजा कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें स्किन की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करनी है, जैसे कि अक्सर जो हो जाती है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, एक आधा पिंपल निकल आता है, या हमें हो जाती है टैनिंग की प्रॉब्लम। तो ये सभी चीजें तो मैं आपको बाद में बता दूं, उससे पहले मैं आपको मेन चीज बता दूं जो कि है हमारे फेस ग्लो की। सो उस दिन आपको बिल्कुल खिला खिला कैसे दिखना है। तो सबसे पहले अगर आप नेचुरल जाना चाहते हो, आप टर्मरिक का पेस्ट लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट, 15 मिनट बाद वॉश कर लेना, आपकी स्किन काफी ज्यादा उस दिन खिली खिली दिखेगी। अगर आप थोड़े पैसे वैसे खर्च कर सकते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सैलून जाएं, या आप जाएं मेंस पार्लर, वहां पर आप अपना फेशियल वगैरह करवा सकते हैं, या आप फेस मसाज वगैरह करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, देखना उस दिन आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। मैंने बात कर लेते हैं जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हो गई हमारे ब्लैक हेड्स हो गए, हमारे एक आधे पिंपल निकल आते हैं, या टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई, इन सभी पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है चैनल पर, वो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब क्योंकि इसी वीडियो में सब बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा हेयर कट। हेयर कट आपको उससे एक दो दिन पहले जरूर लेना है, एक दो दिन पहले या उसी दिन आप हेयर कट करवा सकते हो, ताकि जो आपका लुक आए वो काफी ज्यादा शार्प आए, नीट एंड क्लीन आए। आपकी जो एजी होंगी वो काफी ज्यादा जब शार्प लगेंगी तो आपका लुक और भी ज्यादा इनहेंस होकर आएगा। तो सबसे पहले आप अपना हेयर कट ले लें, एंड हेयर कट के बाद उसे अच्छे से स्टाइल करो। तो ये चीज जरूर करें, वरना भाई बाल ही अच्छे नहीं लगेंगे तो कैसे चले। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हमारा आउटफिट। अब जैसे कि हमारा इंडिया का त्यौहार है, तो कोशिश करें कि ट्रेडिशनल आउटफिट उस दिन पहने तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे कि हमने इस पर चूज करा है, हमने कुर्ता चूज करा है जो कि एक प्लेन कुर्ता है, एंड उसके साथ उसका पजामा है, एंड साथ ही साथ उसके एक वेस्ट कोट भी है। इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम कलर कॉम्बोज के बारे में बात कर लेते हैं कि कलर कॉम्बोज कौन से अच्छे लगेंगे। जैसे कि आप ब्लैक कुर्ता और व्हाइट उसके नीचे का पजामा, या उसके नीचे पैंट आप पहन सकते हो, फॉर्मल पैंट हो आपकी, ये चीज ध्यान रखें। एंड साथ ही साथ आप ऑल ब्लैक भी पहन सकते हो, या आप लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट कलर्स पहन सकते हो, बट उस दिन फेडेड कलर बिल्कुल भी मत पहनना। अगर आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन रहे हो फेडेड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए उस दिन फेडेड ना पहने, क्योंकि उस दिन ज़्यादा चमक धमक रहती है तो आप भी तो चमकने चाहिए। तो इसीलिए थोड़े लाइट ब्राइट कलर पहने उस दिन, और भी ज़्यादा वो अच्छा लगता है पूरे माहौल के हिसाब से। अब बात कर ले तो जो हमने इस वीडियो के लिए चूज़ करा है वो है एक प्लेन कुर्ता, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक प्लेन कुर्ता है, एंड साथ ही साथ इसके एक इसी के कलर का प्लेन पजामा है, एंड साथ में इसके है एक वेस्ट कोट। वेस्ट कोट थोड़ा फ्लोरल है जो कि और अच्छा लुक देता है, यानी कि जैसे मैंने बताया माहौल के हिसाब से थोड़ा खिला खिला चाहिए। वेस्ट कोट के कलर्स थोड़े लाइट एंड फ्लोरल डिजाइन में, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इस पूरे आउटफिट में जो हमने फुटवेयर पहना है वो हमने पहने हमारी जूती जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एंड साथ ही साथ आप क्या ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आप कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बट कुछ लोग इनमें क्या करते हैं कि स्नीकर वगैरह पहन लेते हैं, तो स्नीकर मैं इसमें मना करूंगा। बट अगर आपने कोई शॉर्ट कुर्ता पहन रखा है, उसके नीचे आपने जीन्स कैरी करी है, तो उसके नीचे आप व्हाइट स्नीकर वगैरह पहन सकते हो अपने आउटफिट से मैच करके, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बट आपने अगर कुर्ता और पजामा पहन रखा है तो उसमें अ वेरी बिग नो टू इट। एंड अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज हमारे लुक को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेकर जा सकती है। उस दिन मैं आपको ये हार्डली मना करूंगा कि आप उस दिन अपने जो वॉचेस होती है या आपके गले की जो चेन्स वगैरह बहुत सारे लोग कैरी करते हैं वो ना पहने, अगर आप ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन रहे हो, कुर्ते वगैरह पहन रहे हो। हाँ, सिंपल प्लेन कुर्ता अगर आप पहन रहे हो तो उसके ऊपर एक चेन जरूर अच्छा लगेगा, बट वो भी आप अपने आउटफिट से मैच करके ही पहने। जैसे कि हमने इसमें चूज करा, हमने बिल्कुल सिंपल रखा है लुक को, हमने बस इसमें एक सिंपल सा ब्रोच ऐड करा, एंड वो ब्रोच लुक को थोड़ा सा इनहेंस करता है और काफी ज्यादा बढ़िया दिखाता है। तो यही सभी चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और सभी को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा हैप्पी दिवाली, बिल्कुल बड़ा वाला हैप्पी दिवाली। इस दिवाली पटाखे वटाखे फोड़ने फोड़ देना, मैं कोई नहीं होता हूँ मना करने वाला, बट ऐसे फोड़ना कि किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से। और बस गाइस, इतना आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।